हाँ प्यारे बच्चों, फिजिक्स। एक मैटेरियल, कांच का मैटेरियल, ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसकी बाउंड्री जो है सरफेस, वो कर्व्ड ले लो, कर्व इधर से कर्व्ड। और इस सारा ग्लास का या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का मैटेरियल है, ओके। कोई रे जो पैरल आती हैं, उनका संबंध फोकस हो जाता है, ये जानते हो। यहां अब ये रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर में जाने पे रे नॉर्मल की तरफ बैठ जाती है। अब इस कर्व का नॉर्मल कैसे पता चलेगा? किसी गोले पार्ट का नॉर्मल बड़ा आसान है, सेंटर से जितनी भी रे जाती हैं सब नॉर्मली होती हैं। यानी इसका जो सर्कल पूरा करते हैं तो सेंटर यहाँ के पड़ता, पर इस टाइप का नॉर्मल होता, ये सीधी ना जाके नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी ऐसे ऐसे, और आगे गिलास ही चलता रहता तो आगे ये यहाँ पहुँच जाती है। पर तो क्या है कि फिर दोबारा अब यहां आएगा तो रेरर में आ रही है, जब रेरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो यहां का नॉर्मल कैसे पता चलेगा? सॉरी, यहां का। अब इसका सेंटर ऑफ अकर्डेंस इधर पड़ेगा और ये नॉर्मल जाएगा, और अब ये नॉर्मल से और आगे हो जाएगा। ये इसे बोलते हैं लैंप। इसका फर्स्ट सरफेस लाइट रे को कन्वर्ट कर देगा और दूसरा सरफेस और कन्वर्ट कर देगा, और जिस पॉइंट में मिलती है फाइनली वो कहलाएगा इस लेंस का फोकल लेंथ, एंड दिस पॉइंट इज फोकस। और ये हो गया आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, दोनों तरफ उभरा हुआ हो या कम से कम एक उभरा हुआ हो, वो मैं बताता हूं। आप इसका भी जरा साथ साथ देख लें, जो दोनों तुझे दबाओ कौन की हो, यागी रे। अब कहाँ जाएगी? तो पहले इस पॉइंट नॉर्मल देखो कहाँ पड़ेगा, सर्कल यहाँ पड़ता, नॉर्मल यहाँ कहीं पड़ता, ये जाता नॉर्मल, तो क्या सीधे जाएगी नॉर्मल इधर बैंड हो जाएगी या उठ जाएगी ऊपर, और ऐसे तरह से दूसरा सरफेस और बढ़ जाएगा। इस कारण ऐसे कॉनकेव लेंस पर रे पड़ेगी तो डाइवर्स होगी, कॉनवेक्स लेंस पे जब रे पड़ती है कन्वर्ज हो जाती है, इस कारण उसको कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव एंगल उसको बिखेर देता है, डाइवर्स कर देता है, इसे कॉनकेव लेंस का एक दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। हम क्या करें, कुछ इसमें की बजाय हम बीच में से देखा करें फ्रेंड, सीधा यहां से कन्वर्ट तो करना ही है। इस कन्वर्जन दोनों का योगदान हो गया, बीचों बीच दिखा दिया इसको। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से ही मिलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। फोकस ऑफ ए लेंस इज दैट पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू एक्सिस मीट्स आफ्टर रिफ्रैक्शन, ओके। तो फोकस को जान लेने के बाद फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ, क्लियर। डाइवर्जिंग नेचर इसका साफ साफ दिखाई दे रहा है।
On the other hand, in case of this, बिचो भी दिखा दो, ये पता है कि डाइवर्स कर देगा, तो वास्तव में तो मिलने वाली है नहीं, इसका तो वास्तव में इसका फोकस होगा नहीं, that appears come from this, it will be its focus, क्लियर? तो दोनों की परिभाषा एक साथ ही है, अगर रेज इनिशियली लेंस से पड़ने से पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो उस लेंस में से गुजरने के बाद वे रेज या तो रियली में फोकस मिलेंगे या अपीयर्स कम फ्रॉम फोकस, फोकस से उसका कॉन्टैक्ट जरूर हो जाएगा, ठीक है? जो मैंने बोला था उसको देखते हुए, एक तो लेंस मैटेरियल मीडियम का वो भाग जिसका कम से कम एक सरफेस तो कर्व्ड हो, ठीक है, फ्लैट ना हो, फ्लैट हो तो फिर स्लैब बन जाएगी, जो रे को हटा सकती थी घुमा नहीं सकती थी, ये तो घुमा देते हैं। तो एक तो लेंस एनी मेटेरियल मीडियम हैविंग एटलीस्ट वन साइड इज कर्व्ड, दूसरी भी कर्व्ड हो चाहे फ्लैट हो, कम से कम एक सरफेस का कर्व्ड हो गया तो फिर लेंस बन चुका, ठीक है? इसके बाद फोकस और फोकल लेंथ, जो मैंने बोली डेफिनेशन दोबारा सुन के यहां लिख दो, ठीक है? और अब क्या करना है आपको, अगर लास्ट वाला सरफेस उभरा हुआ है तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये भी उभरा हुआ है तो डबल कॉन्वेक्स लेंस, या कॉन्वेक्स ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स तो पक्का है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स लेंस, फ्लैट होगा तो प्लेन होगा, कॉन्वेक्स तो है, प्लेन हो कॉन्वेक्स लेंस, और अगर ये दबा हुआ हो कॉनकेव हो तो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स तो पक्का है, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स लेंस, ये तीनों कॉन्वेक्स लेंस ही करें, अगर आखिरी दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस है, शुरू वाला चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो चाहे प्लेन हो, दूसरा वाला अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस कराएंगे। ऑन द अदर हैंड कॉनकेव कॉनकेव लेंस, तो आखिरी हिस्सा दबा रहा है, पहला भी दबा हो सकता है, पहला प्लेन भी हो सकता है और पहला कॉनवेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव पक्का कि दूसरा दबा हुआ है, कॉनकेव 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 या डबल कॉनकेव, ठीक है, प्लेनो कॉनकेव प्लेनो कॉनकेव कॉनवेक्स हो कॉनकेव लेंस, तो ये है आपके तीन कॉनकेव लेंस। इस वीडियो में आपको क्या करना है, एक कॉनवेक्स लेंस रेज को कन्वर्स कर देता है, एक कॉनकीव डाइवर्स कर देता है, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, लेंस के बारे में जितना मैंने इस वीडियो में बताया है इसको बार बार रिवाइज करके मजबूत कर लें ताकि लेंस के ऊपर अगली कार्रवाई शुरू हो सके और उसमें आपको मन लगे।
तो आज की सारी बातें नोट्स बना दें इसके, और बार बार अपने सर ने क्या कहा, कोई दिक्कत हो मुझसे बात करो। ओके बच्चों, जय हिंद।